Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करूंगी कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूं मज़ेदार सा स्ट्रॉबेरी और खजूर का स्मूदी, जो बहुत ही मज़ेदार से बनता है। आप इसे ईद पे बना सकते हैं। जूस जो आप ईद पे बना रहे हैं उसमें इसको ज़रूर शामिल करें। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और पीने में ये बहुत मज़ेदार है। तो चलिए रेसिपी का स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरीज ले ली हैं, उन्हें अच्छे तरीके से वॉश किया है। उसके बाद 6 से 7 दाने मैंने यहाँ पर खजूर ले ली हैं, नरम खजूर। जब भी आप जो स्मूदी बनाएं जिसमें आपने खजूर का इस्तेमाल करना हो तो नरम खजूर हमेशा इस्तेमाल करें। दरमियान से कट करके इस तरह हम इसकी गुठली निकाल लेंगे और सारे खजूरों को हमने इसी तरीके से साफ़ कर लेना है। और खजूर भी जब भी आप इस्तेमाल करें, कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसे धो के इस्तेमाल करें। मैंने भी इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और अब हमने इसे कट करके इसमें से गुठली निकाल ली है। अब हम ग्रीन पार्ट स्ट्रॉबेरी का उतार लेंगे और उसे भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक जूसर ले लिया है, उसके अंदर स्ट्रॉबेरी और खजूर जो कि हमने साफ़ कर ली थी वो हम ऐड कर देंगे। सबसे मज़ेदार करने के लिए जूस को हम कंडेंस मिल्क डालते हैं। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर इस्तेमाल करें ड्राई मिल्क। बहुत मज़ेदार बनता है। जिस तरीके से आपको टेक्सचर चाहिए होता है जूस का, बाजारी इसी तरीके से घर में बन जाएगा। 3 टेबलस्पून मैंने ड्राई मिल्क यूज़ किया है, 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने शुगर ऐड की है और 2 गिलास मैंने यहाँ पे दूध के लिए हैं। अच्छे तरीके से हम इसे ब्लेंड कर लेंगे और बहुत ही मज़ेदार सा 5 मिनटों में ये जूस हमारा तैयार हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक जग ले लिया है, उसके अंदर मैंने आइस क्यूब इस्तेमाल किए हैं। अगर आप ज़्यादा ठंडा नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप अवॉइड कर सकते हैं। जूस मैंने जग के अंदर डाल दिया है और अब हम इसकी सर्विंग करेंगे प्यारे प्यारे से गिलास में। तो यहाँ पे मैंने 2 गिलास ले ली हैं और हम यहाँ पे सर्विंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना स्मूदी बना है और बहुत ही इसका टेक्सचर देखने वाला है, कितने मज़ेदार सा गाढ़ा गाढ़ा जूस हमारा तैयार हो गया है। आइस क्यूब मैंने ग्लास में भी ऐड कर दी हैं और गार्निशिंग के लिए यहाँ पे मैंने पिस्ता और बादाम कट कर लिए थे, वो मैंने ऐड कर दिए हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, इसी तरीके से भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। मज़ेदार सी हमारी स्मूदी की रेसिपी आज रेडी हो चुकी है। अगर आपको अच्छी लगती है लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।